ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सुभाष स्टील की। यहाँ पर सुबह एक हादसा हुआ है। हादसा इस कदर हुआ कि उस हादसे के बाद किसी की जान भी जा सकती थी, लेकिन ईश्वर का शुक्र है कि इस हादसे में किसी की जान जाने की कोई खबर नहीं है। आप ये देख सकते हैं, ये दो कमरे हैं, इन दो कमरों में करीब 3 लोग जो है यहाँ पर सोए हुए थे, और किस तरीके से ये जो बजरी से भरा हुआ ये जो ट्रक है ये अचानक से इन कमरों की दीवारों पर टकरा जाता है, और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कमरे के हालात देख सकते हैं, जो दीवार है वो टूट चुकी है। 3 लोग यहाँ पर सोए हुए थे। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में इन तीनों व्यक्तियों को दाखिल करवाया गया, जहाँ पर इनकी स्थिति फिलहाल ठीक बताई जा रही है। ईश्वर का शुक्र है, एक बड़ा हादसा होते होते टला है। आप ये देख सकते हैं जो कमरा है, कमरे के अंदर ये जो बेड है, आप ये बेड की तस्वीर देख सकते हैं, अलमारी आगे लगी हुई है, ये दूसरा कमरा है। 3 लोग जो है यहाँ पर बताए जा रहे हैं, ये 3 लोग यहाँ पर सोए हुए थे। फिलहाल ईश्वर का शुक्र है, एक बड़ा हादसा होते होते टला है। आप इस वीडियो को दोस्तों साथ की साथ शेयर भी कर दें। आप ये देख सकते हैं बजरी से भरा हुआ जो ट्रक है वो इन कमरों के साथ, उनके कमरे की दीवार के साथ जो है टकरा जाता है, और फिर उसके बाद जो है किस तरीके से ये कमरे की आप स्थिति देख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर आपको मैं वो ट्रक भी दिखाना चाहूँगा आगे से, क्योंकि ट्रक भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुका है। करनाल के नेशनल हाईवे की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ये हादसा हुआ है, और वहीं दूसरी ओर आप ये भी देख सकती हैं मौके पर जो क्रेन है वो यहां पर मौके पर पहुंच चुकी है। ट्रक को यहां पर निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी, और ये आप देख लीजिए किस तरीके से दीवार के साथ टकराने के बाद जो ट्रक है वो खदानों में जा गिरा है। आप ये देख सकते हैं किस तरीके से जो ट्रक है वो खदानों में जा गिरा है, और ट्रक भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। आप ये देख सकते हैं आगे से जो ट्रक है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। करनाल के नेशनल हाईवे की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सुबह का ये हादसा बताया जा रहा है, सुबह करीब 5 बजे का ये हादसा बताया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं मौके पर जो क्रेन है उसको यहाँ पर बुला लिया गया है। अभी थोड़ी देर बाद जो है ट्रक को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। ट्रक का नंबर भी हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, क्योंकि आगे से जो नंबर प्लेट है वो दबी हुई है, जो पीछे की नंबर प्लेट है वो यहाँ पर पढ़ने की पूरी कोशिश हम करते हैं। आप ये देख सकते हैं ट्रक का नंबर है 7499HR450-7499, ये ट्रक का नंबर है, क्योंकि जो पीछे वाली जो प्लेट है वो फिलहाल दबी हुई है। अब जो बजरी को दूसरे ट्रक पर लोड किया जा रहा है, बजरी से भरा हुआ ये ट्रक था, फिलहाल आप ये देख सकते हैं दूसरे ट्रक पर जो है इस बजरी को लोड किया जा रहा है, और स्पीड भी काफ़ी इसकी रही होगी। खदानों में जो ये ट्रक जा गिरा है, और जो सुभाष स्टील है उसकी जो दीवार को चीरता हुआ ये जो ट्रक है खदानों में जा गिरा है, और उस कमरे के अंदर 3 लोग विश्राम कर रहे थे सुबह का ये वाकया बताया जा रहा है, और किस तरीके से एक बड़ा नुकसान होते होते टला। नींद आ जाती है, और फिर उसके बाद जो है एक कमरे की दीवार से टकरा जाता है। उस कमरे में काफ़ी लोग सो रहे होते हैं। फिलहाल जो लोग चोटिल हुए हैं उन्हें करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में भेज दिया है। वहीं दूसरी ओर जो इस फैक्ट्री के जो मालिक हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे कि क्या पूरा वाकया था। आप इस वीडियो को साथ की साथ शेयर अवश्य कर दें। सुभाष स्टील जो है बताया जा रहा है, इस फैक्ट्री के जो मालिक है उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि आखिरकार ये पूरा वाक्या क्या था, कितने बजे का ये घटनाक्रम था। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी करें, और अंदर से भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यही वो कमरा है, आप ये देख सकते हैं यही वो कमरा है। इसी कमरे के अंदर काफ़ी लोग रेस्ट कर रहे थे, सुबह का ये वक्त था। आप ये देख सकते हैं काफ़ी सामान यहाँ पर बिखरा हुआ है, पलंग हो अलमारी हो वो यहाँ पर जो है काफ़ी सामान यहाँ पर पड़ा हुआ था, तेल की बोतल है, चावल हैं, तो काफ़ी लोग जो है यहाँ पर रहते थे। और किस तरीके से सुबह का यह वाकया बताया जा रहा है जहाँ पर जो एक ट्रक है इस दीवार के साथ टकरा जाता है, काफ़ी लोग यहाँ पर रात के समय में जो है विश्राम कर रहे थे, सुबह का यह वाकया बताया जा रहा है। जो मालिक हैं उनसे हम यहाँ पर बात अवश्य करना चाहेंगे। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी करें। आप बताएँ कैसे ये हादसा हुआ? उनसे पूछते मेरे को पता नहीं।
जी, कैसे ये हादसा हुआ जी? सुबह 5 बजे फोन आया जी, 5 बजे फोन आया कि ऐसे ऐसे कोई ट्रक ने टक्कर मारी है हमारी फैक्ट्री की दीवार को जी। तो मैंने अपने सुपरवाइजर को फोन किया, वो तुरंत मौके पे पहुंचा। तो जी इतनी देर में लड़के निकल गए थे, फिर इनको हमने सरकारी हॉस्पिटल में भेजा। और पुलिस वालों की जिप्सी घूम रही थी सुबह, जो PCR होती है, वो एक तो भाग गया था, एक ड्राइवर को साथ ले गए वो। फिर 10 बजे के तकरीबन मैं पहुंचा फैक्ट्री में, तो देखा कि काफी नुकसान है, पर ये है कि चलो लड़कों की हमारे जान बच गई, भगवान का। लोगों को चोट लगी है? 3 लड़कों को लगी है। कितने लोग सो रहे थे यहाँ पर? 3 लोग। 3 लोग सो रहे थे? हाँ जी हाँ जी। आपके वर्कर थे वो? हाँ जी वर्कर थे। क्या क्या नाम थे? एक का दिलीप है, एक का रामू है और एक का किशन है। तो कैसी उनकी हालत कैसी है? उनको चोटें लगी हुई हैं बट बचाव है। बचाव है? कौन से हॉस्पिटल में एडमिट करवाया? सुबह तो सरकारी हॉस्पिटल ले गए थे जी, और उसके बाद फिर दोबारा प्राइवेट में भी दिखाया उनको, तो उन्होंने पट्टी पुट्टी की है और उनको दवाई दवाई दी है जी। एक तो यही था जी, ये खड़ा हुआ है, बाकी दो और लोग और हैं। तो ट्रक के चालक? ट्रक का एक चालक तो बाहर फरार हो गया था, एक चालक जरूर हमारे काबू में आया। अच्छा। जो क्योंकि उसके पुलिस वाले PCR थे वो उसको ले गए। तो क्या ट्रक वही चला रहे थे जो काबू आया है? मेरे को पता नहीं है इस मौत का। अच्छा। हाँ हाँ। तो पुलिस की गिरफ्तार? पुलिस को फिर हमने 100 नंबर पर BT की, फिर जहाँ पे हम दरखास्त देके आए, हमारे को सेक्टर 4 चौकी लगती है हमारी, जो जिसके अंडर हमारी फैक्ट्री आती है, तो हमने वहाँ उनको दे दिया रिटर्न में। ठीक है जी। बाकी जो कार्रवाई होगी वो आगे। नुकसान हुआ है काफ़ी? नुकसान तो आपके आगे ही है, काफ़ी हुआ है, पर ये है कि चलो हमारे लड़कों की जान बच गई। किस नाम से फैक्ट्री है ये? हमारी सुभाष स्टील्स के नाम से है। क्या नाम है आपका? मेरा रिपन मिगरानी। आप मालिक हैं? हाँ जी हाँ जी। तो आप ये देख सकते हैं किस तरीके से ये सुबह का वाकया है। सुभाष स्टील्स जी, जो कि करनाल के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी करें। बचाव यहाँ पर हो चुका है। इस कमरे के अंदर 3 लोग सो रहे थे, उनकी जान जा सकती थी, एक बड़ा नुकसान हो सकता था। फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़ा हादसा होते होते टला है। ये वही 3 लोग हैं जो इस कमरे में सो रहे थे, सुबह का ये वाकया बताया जा रहा है। ईश्वर का शुक्र है कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, एक बहुत बड़ा बचाव अवश्य हुआ है। इन लोगों से हम बात करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे ये घटना हुई? ये 5 बजे घटना हुई है, हम लोग सोए हुए थे, मगर भगवान आप लोग दुआ से किसी तरह हम लोग बच गए, नहीं तो जान जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो अचानक से ट्रक आया? हाँ अचानक आया। अचानक से आया? अचानक। क्या नींद में था वो? नींद में होगा, पता नहीं चला आपको? पता नहीं चला। क्या नाम है आपका? कैसे हादसा हुआ है? हादसा हुआ जी, हम लोग सो रहे थे और 5 बजे पता नहीं कैसे न कैसे आके टकराया, तब तक ऊपर हमारे लोग ऊपर आ गया, हम लोग किसी तरह इधर उधर करके अपना बाहर निकले, हम लोग को चोट लग रहा था, फिर सिविल गए वहाँ दवाई वाई लेकर। तो ट्रक क्या नींद में था या नशा किया था? यह तो बता नहीं सकते, नींद में होगा। नींद में था? तो आप ये देख सकते हैं यही वो 3 शख्स हैं। क्या नाम है जी आपका, कैसे ये? ठीक है आप? ठीक है। कोई बड़ा हादसा हो सकता? नहीं, वो तो कमरे में सो रहे थे, दीवार गिरा ना, जब नीचे से मैं बाहर निकला बाहर से। तो कितने कमरे हैं? 2 कमरे? 2 कमरे हैं। एक में मैं अकेला था, एक में 2 था। तो आप ये देख सकते हैं, ईश्वर का शुक्र है बड़ा हादसा होते होते टला है। करनाल के सुभाष स्टील की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर अचानक से ट्रक आता है। ट्रक बजरी से भरा हुआ था, अचानक से जो है ट्रक इस सुभाष स्टील की जो दीवार है वहां से टकरा जाता है, और फिर उसके बाद ये 3 लोग जो है इस कमरे में सोए हुए थे, बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल ईश्वर का शुक्र है कि इस बड़े हादसे में किसी की जान नहीं गई। हैं ये वही 3 लोग हैं जो इस कमरे में सो रहे थे, सुबह का ये वाकया बताया जा रहा है। ईश्वर का शुक्र है कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, एक बहुत बड़ा बचाव अवश्य हुआ है। इन लोगों से हम बात करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे ये घटना हुई? ये 5 बजे घटना हुई है, हम लोग सोए हुए थे, मगर भगवान आप लोग दुआ से किसी तरह हम लोग बच गए, नहीं तो जान जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो अचानक से ट्रक आया? हाँ अचानक आया। अचानक से आया? अचानक। क्या नींद में था वो? नींद में होगा। पता नहीं चला आपको? पता नहीं चला। क्या नाम है आपका? कैसे हादसा हुआ है? हादसा हुआ जी, हम लोग सो रहे थे और 5 बजे पता नहीं कैसे न कैसे आके टकराया, तब तक ऊपर हमारे लोग ऊपर आ गया, हम लोग किसी तरह इधर उधर करके अपना बाहर निकले, हम लोग को चोट लग रहा था, फिर सिविल गए वहाँ दवाई वाई लेकर।
तो ट्रक क्या नींद में था या नशा किया था? नींद में था। तो आप ये देख सकते हैं यही वो तीन शख्स हैं। क्या नाम है जी आपका, कैसे ये? ठीक है आप? ठीक है। कोई बड़ा हादसा हो सकता है? नहीं, वो तो कमरे में सो रहे थे, दीवार गिरा ना, जब नीचे से बाहर निकला बाहर से। तो कितने कमरे हैं? दो कमरे। दो कमरे, दो कमरे। एक में मैं अकेला था, एक में दो था। तो आप ये देख सकते हैं, ईश्वर का शुक्र है, बड़ा हादसा होते होते टला है। करनाल के सुभाष स्टील की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर अचानक से ट्रक आता है। ट्रक बजरी से भरा हुआ था, अचानक से जो है ट्रक इस सुभाष स्टील की जो दीवार है वहां से टकरा जाता है, और फिर उसके बाद ये तीन लोग जो है इस कमरे में सोए हुए थे। बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल ईश्वर का शुक्र है कि इस बड़े हादसे में किसी की जान नहीं गई। करनाल के राष्ट्रीय राजमार्ग से इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुभाष स्टील जो कि पिछले काफ़ी सालों से यहां पर कार्य चल रहा है, और आप ये ट्रक को दोबारा देख लीजिए किस तरीके से, यही सुभाष स्टील का बाहर का हम आपको व्यू दिखा रहे हैं, और यही वो कमरा है किस तरीके से जो ट्रक है वो यहां पर इसी कमरे पर आप ये देख सकते हैं तहस नहस हो चुका है। दो कमरे यहाँ पर बताए जा रहे हैं, ये बेड है, ये सारा सामान है जो लोग यहाँ पर रहते थे, लेबर यहाँ पर रहते थी, और किस तरीके से जो ट्रक है वो चीरता हुआ इन कमरों की तरफ आया, और तीन लोग बताए जा रहे हैं जो इन कमरे के अंदर रात के समय में विश्राम कर रहे थे। सुबह का ये वाक्या बताया जा रहा है, सुबह करीब 5 बजे का ये वाक्या बताया जा रहा है। और वहीं दूसरी ओर जो ट्रक के अंदर जो बजरी से भरा हुआ ये ट्रक था, फिलहाल ट्रक को यहाँ पर खाली करने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप इस वीडियो को दोस्तों साथ के साथ शेयर भी करें। तीन लोग बताए जा रहे हैं, तीनों को करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में भेजा गया, फिर उसके बाद करनाल के निजी अस्पताल में भेजा गया। जो ड्राइवर हैं, जो ट्रक के चालक हैं, वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, नींद का कारण बताया जा रहा है। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर करें, अपडेट आपको इसी तरीके से देते रहिएगा, बने रहिएगा करनाल स्टूडेंट।